नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे स्वीट होम 3D के अंदर हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगा सकते हैं या बैकग्राउंड की सेटिंग कैसे करेंगे 3D मॉडल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा पास एक ये डिज़ाइन है जो मैंने पहले से कंप्लीट किया हुआ है, और ये डिज़ाइन को मैंने स्केचअप के अंदर कंप्लीट किया था, वहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट किया है। स्वीट होम 3D के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं, इसके मेरे पास दो तरीके हैं जो मुझे आते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम यहीं से 3D व्यू के अंदर से ही हम इसके बैकग्राउंड में हम इमेज लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मॉडिफाई 3D व्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारा 3D व्यू है जो, उसका मॉडिफिकेशन का ये जो है हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हम यहाँ जो ये स्काई का ऑप्शन है, ये हमारा बैकग्राउंड है, यहाँ से हम टेक्सचर ले लेंगे। यहाँ से कलर है तो हम यहाँ से टेक्सचर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से टेक्सचर सेलेक्ट करके यहाँ पे हम स्काई के टाइप करेंगे, और यहाँ से हम स्काई टाइप करेंगे। जैसे ही हमारे अलग अलग टाइप की इमेज जो बाई डिफॉल्ट हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मिलती हैं वो हमें मिलेंगी। जैसे कि ये एक इमेज है, और इसको हम यहाँ से ओके ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर से हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड में ये स्काई का जो है हमारा व्यू हमें मिलेगा इस तरह से। उसके बाद हम वर्चुअल विजिट से देख सकते हैं, जैसे ये हमारा वर्चुअल विजिटर है, हम इसे हमारे डिज़ाइन के फ्रंट में सामने लेके आएंगे इस तरह से। और ये देखिए, इस तरह से हम हमारी इमेज का बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। ये तो जो बाय डिफ़ॉल्ट स्वीट होम 3D के अंदर सेटिंग है, उसके अंदर से हम हमारी जो है 3D मॉडल है उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। और वर्चुअल विजिट से हम हमारे व्यू को चेंज कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम व्यू चेंज कर लेंगे। और जो हमारा ग्राउंड का टेक्सचर है, इस पे हम फिर से 3D व्यू में मॉडिफाई करेंगे, और ये जो हमारा ग्राउंड है यहाँ पे टेक्सचर में हम ग्रास ले लेंगे, ग्रीन है जो, और इसको हम यहाँ से 1000 कर लेंगे। ओके प्रेस करेंगे, इस तरह से हमारा नीचे का जो है टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। एक तरीका तो ये है हमारे बैकग्राउंड की इमेज सेट करने का स्वीट होम 3D के अंदर। अब हम इसको इसके फ़ोटो को हम रेंडर करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ से मैं ये साइज यही रहने देता हूँ एक बार, ताकि हमें रिजल्ट जल्दी मिले। यदि हम यहाँ से साइज पिक्सल का ज़्यादा लेंगे तो रेंडर होने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। ये देखिए, जैसा कि आपके सामने है हमारी जो ये इमेज है, इसके हमने बैकग्राउंड में ये इमेज लगा ली है। एक तो हम इस तरीके से हमारे जो 3D मॉडल है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा ये शैडो दिखाई दे रही है, उसके भी मेरे पास एक ऑप्शन है, हम क्या करेंगे हमारे डिज़ाइन के अंदर एक होलोजन लाइट लगा लेंगे बड़ी। ये देखिए, यहाँ से हम लाइट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम ये जो है होलोजन, ये लाइट होती है जो हमें एक्चुअल लाइट देती है, जो हमारी सूर्य की लाइट होती है, इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसके साइज को भी हम बड़ा कर लेंगे इस तरह से। आप 3D के अंदर भी देख सकते हैं, साथ में आपको ये एक ये जाल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये जाल है जो, इसकी हाइट को हम ऊंचा करेंगे ताकि हमारे पूरे डिज़ाइन के ऊपर लाइट पड़े, और इसकी लाइटिंग को हम 30% कर लेते हैं। और अब हम फिर से रेंडर करके देखेंगे हमारी इमेज को इस तरह से, देखते हैं शेडो जो हम पड़ रही थी इसके ऊपर वो ख़त्म हुई या नहीं। तो फिर से हम क्रिएट करके देखेंगे, अब के बारे में साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ इसका, 800 कर लेता हूँ।
फिर से हम क्रिएट करके देखेंगे। अब की बार साइज़ जो थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ एक बार। सो फ्रेंड्स, हमारी इमेज रेंडर हो गई है। मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था क्योंकि यदि रेंडर पूरा करते देखते हम तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं इसका आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। हम हमारी इमेज को सेव कर लेंगे किसी भी नाम से, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ मैं। अब मैं आपको एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, होलोजन लाइट लगाने के बाद जो हमारा रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आया है, ये देख सकते हैं आप। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, रिजल्ट हमारा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रियलिस्टिक लुक हमें हमारी बिल्डिंग की लग रही है, जो हमारा डिज़ाइन है। एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम इस तरीके से हमारे जो बैकग्राउंड है स्वीट होम 3D में, उसमें इमेज लगा सकते हैं। आप इसके अलावा भी कोई भी इमेज लगा सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, जो बाहर से इम्पोर्ट करके लगा सकते हैं आप। तो उसके लिए हम देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। फिर से हम यहाँ से मॉडिफाई व्यू में जाएंगे और यहाँ से टेक्सचर में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी बाहर से इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी इमेज, ये ध्यान रखिए उस इमेज का जो साइज़ है बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं एक ये इमेज ले लेता हूँ और यहाँ से हम कीप अनचेंज रखेंगे और ये इमेज हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो देखिए ये इमेज यहाँ पे आ गई है और यहाँ से हमारा स्केल है, जो हम यहाँ से जो स्केल को हम 100% रखेंगे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और फिर से ओके पे। तो ये देखिए हमारे बैकग्राउंड में ये इमेज आ गई है। इस तरह से हम बाहर की इमेज भी से भी हम हमारे बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका था हमारे डिज़ाइन पे बैकग्राउंड में इमेज लगाने का। इसके अलग एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, वो हम हमारे 2D के अंदर से ही इमेज लगा सकते हैं 3D में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें स्केचअप की हेल्प की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पड़ेगी। उसके लिए मैं स्केचअप ओपन करूँगा पहले। इसको मैं स्वीट होम 3D को मिनिमाइज़ कर देता हूँ एक बार के लिए। तो हम हमारे स्केचअप को ओपन कर लेंगे। ओपनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। जैसे कि हमारा स्केचअप ओपन हो जाता है, आप हमारे स्केचअप के जो स्केचअप का व्यू है जो हम यहाँ से फ्रंट पे रखेंगे और फिर हम यहाँ से फाइल पे जाएंगे और यहाँ से एक इमेज को हम इंपोर्ट करेंगे। हमारे पास कोई भी फुल HD इमेज ले लीजिए आप, कोई भी वॉलपेपर जो या इमेज आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं स्वीट होम 3D के अंदर, उसको हम यहाँ से ले लेंगे। मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज से, और यहाँ से मैं ऑल फाइल्स कर देता हूँ या JPG कर देता हूँ। मान लीजिए यही एक फ़ाइल हमें लगाना है, या कोई भी ले लीजिए, जैसे ये फाइल है या ये है, ये ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, कोई भी एक फ़ाइल ले लीजिए, उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए स्केचअप के अंदर। इसका साइज़ मैं 50 फीट के करीब रख लेता हूँ। उसके बाद हम इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम इसको इसके जो है थिकनेस को थोड़ा चेंज कर लेंगे, थोड़ा थिकनेस ही काफ़ी है। फिर से हम इसको फ्रंट पे सेट करेंगे और यहाँ से डबल क्लिक से हम या इसको इस तरह से सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से हमको ग्रुप बना लेंगे, मेक ए ग्रुप। अभी हमारा एक ग्रुप बन गया है। अब हम इसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फिर से हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाके हम 3D मॉडल में इसे कन्वर्ट कर लेंगे और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से। इस तरह से हम हमारी इमेज को 3D मॉडल के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब हम स्केचअप को बंद कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। फिर से हम स्वीट होम 3D में जाएंगे और यहाँ से हम एक्सटीरियर के अंदर से या किसी भी आप कैटेगरी में आप उस इमेज को इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ से मैं आपको इंपोर्ट करके दे देता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट फर्नीचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ चूज मॉडल पे क्लिक करेंगे और जो हमने 3D मॉडल में हमारी इमेज को कन्वर्ट किया था, हमारे बैकग्राउंड इमेज को, ये यहाँ पे अनटाइल्ड के नाम से सेव है। हम इसको यहाँ से, ये देखिए ये हमारी इमेज को हमने 3D मॉडल में कन्वर्ट कर लिया है।
इसको हम हमारे स्वीट होम 3D के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको एक्सटीरियर की एक कैटेगरी में रख लेता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिनिश पे क्लिक करूँगा मैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा जो है जो बैकग्राउंड इमेज हमने 3D में कन्वर्ट किया था इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे फर्नीचर में। उसके बाद हम इसको यहाँ से ड्रैग करके हमारे जो डिज़ाइन है इसके बैकग्राउंड में यहाँ से लगा लेंगे। जैसा कि आपको 3D में दिखाई दे रहा है, ये देखिए हमारे बैकग्राउंड में इसके पीछे हमने इमेज लगा ली है। अब हम इसका साइज़ जो है बढ़ा लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ से सेंटर में लगा लेंगे हमारे बैकग्राउंड के, और फिर हम इसकी हाइट बढ़ा देंगे जैसे कि हम बाकी 3D मॉडल की हाइट बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए एक ये तरीका है, इस तरीके से भी हम हमारे बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे जो है 3D मॉडल में हमारे बैकग्राउंड में हमने इमेज लगा ली है। अब हम वर्चुअल विजिट पर जाएंगे इसी तरह से, और ये देखिए हमारे बैकग्राउंड में हमने इस तरह से इमेज लगा लिए हैं। जैसा कि ये साथ में हमें स्पेस इम्पटी दिखाई दे रहा है तो हमारी इमेज को हम मूव कर लेंगे ये इस तरह से। ये देखिए एक इस तरीके से भी हम हमारे बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं हमारे मॉडल के अंदर। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, और इस तरह से हम हमारे एंगल को सेट कर लेंगे। चारों कोनों से देख लीजिए किसी भी तरह से इम्प्टी स्पेस दिखाई न दे। और अब मैं इसको ये एक फाइनल इमेज आपको मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ। देखिए इसके रेजुलेशन को हम यहाँ से 1280x720 का ले लेंगे रेजुलेशन, और साथ में सेट देखने के लिए इस तरह से सेट कर लेंगे 720 पे। इस तरह से आप रेजोल्यूशन सेट कर लेंगे और हमारी इमेज को भी हम सेट कर लेंगे साथ में इस तरह से। ये देखिए एंगल को सेट कर लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद मैं यहाँ से फाइनल इमेज आपको क्रिएट करके दे देता हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ जब तक हमारी इमेज क्रिएट हो। सो फ्रेंड्स, हमारी रेंडरिंग कंप्लीट हो गई है, हमारी इमेज रेंडर हो गई है। अब मैं इसको सेव करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ एक बार। ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है, इसको मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हमारे स्वीट होम 3D के अंदर बैकग्राउंड में इमेज लगाई है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ी डार्कनेस है हमारी इमेज में पीछे की साइड, उसका रीज़न ये है कि जो हमारा सूर्य का जो मैं मतलब जो टाइम मैंने सेट किया सुबह 9 बजे का टाइम मैंने सेट किया है, उसी वजह से इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो यदि आप टाइम चेंज करेंगे तो ये आपको शेडो भी नहीं दिखाई देगी। सो फ्रेंड्स, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जो हम स्वीट होम 3D के अंदर किसी भी बिल्डिंग का या होम का डिज़ाइन बनाएंगे तो इस तरह से हम उसके अंदर हमारे बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें हमारी वीडियोस को। मैं आपका अपना दोस्त विकास कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।